हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और एक बार फिर से आपके अपने चैनल ब्लॉग विद शशिकला पांडे में स्वागत है। और देखिए, ये शाम के समय का क्लिप है। चाय बनके तैयार है, यहाँ पर छान दिए हैं हम। और इधर हो रहा है आम का सिरका, जो बहुत ही टेस्टी सा हुआ था। देखिए, इधर आम कट करके तेल में जो भी पड़ता है, सौंफ मिर्चा सब कुछ डाल करके हम भून रहे हैं इसको कुछ इस तरह से। रात का सीन है, इस वजह से पूरा स्पष्ट नहीं आया है, थोड़ा अंधेरा ही आया है, लेकिन बहुत ही अच्छा हुआ था। देखिए, देखने से ही कितना लजीज और स्वादिष्ट लग रहा है। यहाँ पर भून कर हमने निकाल दिया है और इधर गुड़ डाल दिया है उसमें, गुड़ और पानी। वो थोड़ा सा मतलब चला दिया है, अभी उबल रहा है। देखिए कुछ इस तरह से। और रात का सीन था, इस वजह से आ रहा था अंधेरा अंधेरा थोड़ा। और यहाँ पर देखिए, हमने डाल दिया है उसमें आम को और मिक्स कर देंगे अच्छे से। बहुत ही टेस्टी सा बनके, आप जानते ही हैं कि इस समय ज़रूर आम का सिरका लोग बनाते हैं, सभी लोग बनाते हैं लगभग। बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, और क्योंकि आम के ही सीजन में बनता ही है ये। और इस समय तो अब तो आम पकने भी लगे हैं, तो अब नहीं बनेगा, थोड़ा सा था तो हमने सोचा इसको बना देते हैं। देखिए, बन करके यहाँ पर तैयार हो गया है। फाइनल लुक कुछ इस तरह से है सिरके का, आप भी देख लीजिए। और इस समय सेहत कुछ ठीक नहीं है, इस वजह से हम ज़्यादा ब्लॉग बना भी नहीं रहे हैं और डाल भी नहीं पा रहे हैं। और इधर हम बना रहे हैं नेनुआ की सब्ज़ी। देखिए, तड़का डाल दिया है हमने और इधर सब्ज़ी कट करके रख लिया है। अब इसको भी भून लेंगे तो सब्ज़ी रोटी सिरका बनेगा। देखिए, और ये है सुबह की क्लिप है ये, जिसमें करेले आलू की सब्ज़ी बना रहे थे। इधर दाल था, चावल हो गया है। इधर बना रहे हैं गर्मा गर्म रोटी। देखिए कुछ इस तरह से फूली फूली रोटियां। और अभी देखिए यहाँ पर है, फिर दूसरे दिन ये शाम की क्लिप है जब मोर आया था। और देखिए किस तरह गांव का सीन होता है, अद्भुत नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। किस तरह देखिए, नाली में आकर के पानी पी रहा है मोर। और इधर उधर खेतों में भी बहुत घूमते रहते हैं मोर, यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं हमेशा ही। और कुछ इस तरह का सीन हुआ था चारों तरफ का, देखिए कितना अच्छा लग रहा था। वैसे गर्मी तो बहुत पड़ रही है इस समय गांव में भी, चाहे शहर में भी, हर जगह गर्मी ही गर्मी है। गर्मी का मौसम है तो खैर गर्मी पड़ेगी ही, लेकिन इस समय कुछ ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही है। लू भी चल रहा है, गर्मी भी पड़ रही है। और देखिए इधर ठंडक है, क्योंकि बीच है उसमें पानी चल रहा है, इस वजह से मोर बगुला मतलब बहुत सारे जीव जंतु उसमें पहुँच जाते हैं, क्योंकि इसी बहाने वहाँ ठंडक भी रहता है और पानी भी पी लेते हैं। तो देखिए किस तरह से मोर घूम रहा है।